हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं सेक्टर 70 में, जहां पर खुला है एक नया मॉल। ये मॉल गुड़गांवा के राजीव चौक से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने वाटिका चौक से जस्ट राइट टर्न ले लिया है। जब आप वाटिका चौक से राइट टर्न लेते हैं तो साउदर्न पेरिफेरल रोड यानी SPR स्टार्ट हो जाता है। इस रोड पर लगभग 1.5 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आता है दरबारीपुर रोड, और इसी रोड पर अगेन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद ये मॉल आएगा। अभी हम जिस रोड से गुजर रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है सेक्टर 69 और राइट हैंड साइड के अंदर है सेक्टर 70। सेक्टर 69 के अंदर ट्यूलिप ग्रुप की बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हैं, जिनमें ट्यूलिप लेमन, ट्यूलिप वायलेट और ट्यूलिप के दूसरे नाम हैं। सोहना रोड के वाटिका चौक से हमारा आज का डेस्टिनेशन लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और सामने आप देख पा रहे हैं हमारा आज का डेस्टिनेशन, जिसका नाम है 3 रोड्स। अभी हमें आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा। इस मॉल के साथ ही एक और नया मॉल बनने लग रहा है, जिसका नाम है 70 ग्रैंड वॉक। हालांकि अभी इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्लो चल रही है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे आज के डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम है 3 रोड्स। इसका नाम 3 रोड्स क्यों रखा गया आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि 3 रोड के इंटरसेक्शन पर होने की वजह से इसका नाम 3 रोड्स रखा गया हो। यदि आपके पास इसके बारे में जानकारी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस मॉल को बनाया है रीच ग्रुप ने, जिनका लोगो है एरो का साइन, और इसलिए इस मॉल को रीच 3 रोड्स भी कहा जाता है। मॉल के साथ साथ यहां पर एक हाई राइज ऑफिस टावर भी बनाया गया है। मॉल के अंदर जहां केवल 4 मंजिलें हैं, इस ऑफिस टावर के अंदर 11 मंजिलें हैं। इसी ग्रुप ने सोहना रोड पर एरिया मॉल करके एक और दूसरा मॉल भी बना रखा है, और वहां पर भी इसी तरह का सेम पैटर्न यूज किया गया है। एरिया मॉल के साथ भी आपको एक ऑफिस टावर देखने को मिलेगा। रीच 3 रोड्स पर अभी बहुत ही कम आउटलेट खुले हैं, ज़्यादातर यहाँ पर फूड आउटलेट हैं, और जिनमें से 2 नाम प्रमुख हैं, एक है हल्दीराम और दूसरा है सागर रत्ना। वैसे तो हल्दीराम अपनी मिठाइयों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की नॉर्थ इंडियन डिश खास करके छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी होते हैं। हल्दीराम इस मॉल में ग्राउंड फ्लोर पर है, जबकि सागर रत्ना फर्स्ट फ्लोर पर है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर लोकेटेड कुछ दूसरे आउटलेट्स, जिनमें से एक है ये विक्टर, जहां से आप होम डेकोरेशन के साथ साथ क्रोकरी, बेडशीट और दूसरी घरेलू जरूरतों का सामान खरीद सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी यहां पर गिने चुने आउटलेट्स ही खुले हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही एक सुपरमार्केट भी खुल गई है, जिसका नाम है सोधीज।
मॉल में आपको वीकेंड्स पर ही थोड़ी चहल पहल दिखाई देगी, बाकी दिन यहाँ पर क्राउड थोड़ा कम आता है। अभी इस मॉल के बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा आउटलेट्स यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। और आइए अब बिना कुछ कहे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की दूसरी आउटलेट्स। इस रोड पर आपको एक और इम्प्रेसिव बिल्डिंग दिखाई देगी जो पूरी तरह ग्लास की बनी हुई है। इसका नाम है कॉर्पोरेट पार्क और इसका निर्माण किया है स्पेस ग्रुप ने और इसकी लोकेशन है सेक्टर 69 ट्यूलिप चौक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। गुड़गांवा की इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।